नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल मज़े में होंगे और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है और अगर आप लोगों को भी यही प्रॉब्लम है कि जैसे ही आप बाहर निकलते हो आपकी स्किन जो झुलस जाती है बिल्कुल। अभी टेम्परेचर चल रहा है हमारे यहाँ 41-42। नागपुर महाराष्ट्र में जो टेम्परेचर चल रहा है अभी वो 41 से 42 के करीब चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है। दोपहर को जब निकलते हैं बाहर तो यही एडवाइस दी जाती है कि अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लगा के निकलिए, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक काम नहीं करता। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपकी स्किन जो है बाहर धूप में जाने की वजह से झुलस रही है, काली पड़ रही है और जो रेडनेस हो जाती है, किसी किसी स्किन में खुजली हो जाती है, तो उसको हम घरेलू उपाय से किस तरह दूर करें, बहुत ही आसान रेमेडी है और आपको कुछ भी बाहर जाने की लाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप सबसे पहले आपको क्या लेना है, यहाँ पर मैं ले रही हूँ सबसे पहले दूध, ठीक है, 1 चम्मच के करीब यहाँ पर दूध लेना है। दूसरा इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पर क्या लेना है, और वो है हनी, जिसको हम शहद भी बोलते हैं, ठीक है। तो 1 ही चम्मच के करीब मैं यहाँ पर ले रही हूँ हनी। और तीसरी चीज आपको क्या लेनी है, यहाँ पर लेना है नींबू का रस। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अपने फेस पर लगाना है, ठीक है। अभी आप इसको किसी भी तरह से कॉटन से लगा सकते हो या उंगलियों से। इससे पहले हम क्या करेंगे, अपना फेस जो है उसको साफ करेंगे, ठीक है। आपको अपना फेस साफ कर लेना है। आप चाहे तो इसको धो लीजिए साबुन से, पानी से, या किसी भी फेस वॉश से, जैसे धोना है धो लीजिए, या फिर रोज़ वाटर अगर आपके पास हो तो रोज़ वाटर ले लीजिए। मैं यहाँ पर दूध से ही अपना फेस जो है साफ कर रही हूँ, देखिए इस तरह से। अपने चेहरे का जो डस्ट, धूल, मिट्टी, गंदगी है उसको निकाल लेना है हमको। क्योंकि डस्ट बहुत रहता है चेहरे पर, दिखता नहीं, देखिए काला हो गया। तो मैंने इसको साफ कर लिया पूरा, ठीक है। तो इस तरह से आपको 1 मिनट तक के, मतलब अपने फेस पर सर्कुलर मोशन में घुमाकर अपने चेहरे का जो मैल, धूल, मिट्टी, गंदगी है सब साफ कर लेना है। देखिए मैंने साफ कर लिया है। अब हमको क्या करना है, अब हमको लेना है ये जो हमने इसको बनाया है, ठीक है। इसको आपको जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपको टैन हो गया है, सन टैन, वहाँ पर आपको इसको लगाना है इस तरह से, ठीक है। आप चाहें तो आप इसको पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हो, ठीक है, इस तरह से। ये आपके चेहरे का सन टैन तो साथ साथ दूर करेगा ही, लेकिन इसके साथ में ही आपके चेहरे पर ग्लो भी लेकर आएगा, ठीक है। जिनकी स्किन पर बिल्कुल ग्लो नहीं है, बाहर जाने से स्किन काली पड़ जाती है धूप में और साथ साथ दाग धब्बे भी हो जाते हैं, तो ये रेमेडी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगी। ये इस तरह से लगा लेना है पूरे चेहरे पर। अगर जलन हो रही हो तो मत लगाइए, अगर नॉर्मल है जैसे कि सिर्फ सन टैन हुआ है तो आपको क्या करना है, इसको हल्के हाथों से इस तरह से मसाज भी कर लेना है। एक सन टैन के लिए मैं आपको एक रेमेडी और बताती हूँ। अगर आपके पास ये सब कुछ ना हो, जैसे शहद ना हो घर पे, तो आप इस रेमेडी को स्किप करके एक रेमेडी और बताती हूँ मैं आपको क्या करना है। आपको ले लेना है दही, फ्रिज का रखा हुआ ठंडा दही लेना है आपको बिल्कुल। उसको ले लीजिए 1 चम्मच और जहाँ पर आपकी स्किन काली पड़ गई है, ठीक है, जो धूप से आने के बाद स्किन आपकी काली पड़ गई है, या फिर आप ज़्यादा धूप में निकलते हो तो आपके चेहरे पर काले चट्टे हो गए हो, तो आपको क्या करना है, ठंडा दही ले लेना है फ्रिज का बिल्कुल,
और उसको उस जगह पर लगाकर इस तरह से आपको हल्का हल्की मसाज देना है, मतलब लगा के छोड़ दीजिए। 20-25 मिनट तक आप रहने दीजिए और उसके बाद आप इसको धो लीजिए, तो आप देखेंगे कि दही से भी आपकी जो स्किन है वो सनटैन आपका रिमूव हो जाएगा और साथ में स्किन ग्लो भी करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको लगा लिया है इस तरह से। बाहर नहीं भी जाते, कोई जैसे कपड़े सुखाने जाता है उस उतने से भी हो जाता है किसी किसी को, है ना, किसी किसी की स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो लोग घर पर ही आप इसको लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि बाहर गए और तभी आपको हुआ, आप जैसे बाहर नहीं गए घर पे अगर आंगन में भी निकलते हो तो हो जाता है किसी किसी को। तो ये देखिए मैंने इसको पूरे अपने फेस पर लगा लिया है। अब मैं इसको छोड़ देती हूँ इसी तरह 15-20 मिनट के लिए और उसके बाद अपना फेस जो है वॉश करूँगी। तो फ्रेंड्स देखा ना आपने रेमेडी कितनी ईजी थी, बहुत ही ज़्यादा, और इसके जो फ़ायदे हैं बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके चेहरे पर ग्लो नहीं है तो भी इस रेमेडी से आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। तो मैं आपसे 10 मिनट बाद मिलती हूँ, फेस धोकर आपको दिखाती हूँ, देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अपना फेस धो लिया है और बहुत अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट स्किन लग रही है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर इसमें से आपको कोई भी एक चीज़ सूट नहीं करती है तो आप इस रेमेडी को मत लगाइए या उस चीज़ को स्किप कर सकते हो। जैसे किसी को नींबू सूट नहीं करता है बिल्कुल, तो बिल्कुल मत लगाइए, नहीं तो आपके चेहरे पर आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, मतलब और ज़्यादा पिंपल्स आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर किसी को भी ये रेमेडी में से एक कोई भी चीज़ सूट नहीं करती हो तो प्लीज़ इसको मत लगाइए। तो फ्रेंड्स मैं कल मिलूँगी एक प्यारी सी रेमेडी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।